हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल यूअर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी अभी क्या हो रहा है, बच्चे जो रजिस्टर करा रहे हैं अपनी आरटीआई लगाने के लिए, तो दोस्तों उनमें से बहुत से कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी हमारे पास आ रही है। और दोस्तों, यदि ऐसा हो रहा है तो आप लोगों की आरटीआई रिजेक्ट हो जाएगी, आप लोगों की आरटीआई फिल नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोग कैसे क्या करें, मैं वो आपको बताने वाला हूं। और आप एक बार नहीं, फिर से दोबारा से अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी ऐड करें, क्योंकि मैंने ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। यदि आप एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी बार में कर लें। चलिए, आपको क्या क्या टाइप करना है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आपके समक्ष कुछ ऐसी विंडो आएगी, जैसे ही आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड के बाद आपको एक लिंक मिलेगी, जैसे कि बहुत से कैंडिडेट को मिली होगी। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस डालना रहेगा, वही ईमेल एड्रेस डालना जिसपे आप आरटीआई का रिप्लाई चाहते हो। तो दोस्तों, जैसे ही आप फॉर्म को क्या डाउनलोड कर रहे होगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर रहे होगे तो आपके समक्ष ऐसा पीडीएफ बन के आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिख रही होगी, आप इस लिंक पर क्लिक करिएगा। ऐसा क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर वो ओपन हो जाएगी गैलरी, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको एंटर करना है अपने ईमेल एड्रेस। जैसे ही आप ईमेल एड्रेस डाल देते हैं तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आपको यहां पर अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी भरना है, जो जो मैंने पूछा है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष फिर आएगा सबसे पहले क्या कि आपको इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर जे भरिएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको इंटर रोल नंबर जे भरिएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको आपका नाम भरना है, जो कि आपके एडमिट कार्ड में है, आवेदक का नाम। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको अपना राज्य भरना है। राज भरने के बाद अच्छे से लिखिएगा, एक एक वर्ड मिस्टेक नहीं करिएगा, ओके। अच्छे से अपने आधार कार्ड को निकाल लो, अपने एडमिट कार्ड को निकाल लो, उसमें जैसा डाला है सेम वैसा ही डालना, ओके। यहाँ पर शहरी क्षेत्र डालना है, आपका प्रखंड डालना है, प्रखंड के बाद फिर आपको शहर या गांव डालना है। इसके बाद दोस्तों, आपको अपना फोन नंबर जरूर डालना है, ताकि यदि कोई प्रॉब्लम आ रही तो हम आपसे कॉन्टेक्ट कर सकें। और यहाँ पे दोस्तों, आपको डालना है अपना लिंग, मतलब कि मेल है फीमेल है क्या है आप। और इसके बाद मकान संख्या डालनी है, इसके बाद आपको डालना है जिला, इसके बाद आपको डालना है क्या अपना शहर क्षेत्र, और अपना पंचायत का पिन कोड डालना है। इतना सब कुछ डालने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन शो होगा, मस्त सबमिट कर दीजिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी मेरे पास आ जाएगी। अभी क्या हो रहा था, बहुत से कैंडिडेट का ओनली मेरे पास क्या क्या आ रहा है, ईमेल आईडी आ रही है, और इसके साथ साथ मोबाइल नंबर आ रहा है दोस्तों, एंड इसके साथ साथ आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं। आपका पूरा पूरा नाम तो आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है आपका प्रखंड क्या है, आपका जिला क्या है, आपका पिन नंबर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक, करीबन 5 से 6 लोगों ने अभी तक रजिस्टर्ड किया है दोस्तों, तो उन लोगों की आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आई, आप फिर से जाइए और बाकायदा फिर से पूरी इन्फॉर्मेशन डालिए। चलिए, मैं नाम लेता हूँ कौन कौन कैंडिडेट हैं जिनको फिर से इन्फॉर्मेशन डालनी है, ताकि वो फिर से रजिस्टर्ड कर दें, अच्छे से अच्छे अपना पूरा एड्रेस भर दें, ताकि उनकी आरटीआई रिजेक्ट ना हो। चलिए, हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो दोस्तों, ये है वो कैंडिडेट जिनको दोबारा से अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार यादव हैं, विक्रम कुमार हैं, और दीपक कुमार मांझी हैं, और यहाँ पर भीम कुमार हैं। इनको अपनी इन्फॉर्मेशन फिर से ऐड करनी है। और फ्रेंड्स, यदि आपको प्रॉब्लम जा रही है तो आप कमेंट्स कर दें, सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा आपके ही नंबर पे, यदि कोई प्रॉब्लम जा रही हो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फिलअप करने में, है ना। तब तक लिए फ्रेंड्स, लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।